Welcome to tutorial number 21. In this tutorial we talking about the rotate command. So make it one profile. So this is one kind of the profile. So we select the rotate command. So select करने के बाद ये duplicate को off कर देता हूँ. मैंने पहले भी बताया हुआ है translate में ये duplicate कैसे work करता है, तो इसमें मैं बताऊँगा. पहले duplicate off करके बताऊँगा, फिर duplicate on करके बताऊँगा. तो duplicate off किया है मैंने, तो पहले तो drawing select करेंगे. पूरी की पूरी drawing select कर दिया है. अभी किस point पे हमें rotate करना है वो point select करेंगे. मैं ये अभी point आपके लिए ये देता हूँ. तो और किस पॉइंट को लेकर रोटेट करना है, तो ड्रैग करने के लिए मैं यहाँ से उठा था उसको. सो ड्रैग करते समय किस पॉइंट को हम पकड़ेंगे ड्राइंग के, तो इस पॉइंट को हम पकड़ेंगे. सो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, ये देखो ऐसा रोटेट करता है. तो ये इक्वी डिस्टेंस किससे रोटेट करेगा, तो मैं यहाँ पे लेके क्लिक कर देता हूँ. तो यहाँ से यहाँ पे उस पॉइंट के अराउंड मूव होता है. यहाँ पे पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया था, उस पॉइंट के अराउंड मूव होता है. अभी ड्राइंग तो सिलेक्टेड ही है, तो मैं और एक बार रोटेट कमांड ये करता हूँ. अभी डुप्लीकेट मोड करेंगे. डुप्लीकेट मोड पे क्लिक करके अभी मैं सेंटर पॉइंट सिलेक्ट कर देता हूँ जिसके अराउंड ये रोटेट होगा. और ड्रैग पॉइंट मतलब कि कहाँ से पकड़ के इसे रोटेट करना है, तो इस पॉइंट को पकड़ के हमें रोटेट करना है. तो ये देखो रोटेट यह ऐसे करेंगे, तो पहला भी पार्ट रहेगा और ये भी पार्ट रहेगा. हमने क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ एक डुप्लीकेट जो है वो ऑप्शन को मार्क किया हुआ था. ये देखो डुप्लीकेट ऑप्शन को मार्क करेंगे तो ये भी रहेगा और नया भी तैयार हो जाएगा. तो ऐसी ही बात है. सो आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज़ यूजफुल फॉर यू. अगले वीडियो में अगला देखेंगे स्केल जो है, जो स्केलिंग करते हैं वो देखेंगे. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो.